हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एसआर क्रेजी ब्लॉग्स। तो आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। तो भाई आज की वीडियो है अपने हेलमेट के ऊपर, जो शार्क एडिशन का हेलमेट है और काफ़ी लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये हेलमेट आपने कहां से लिया और इसकी कॉस्टिंग क्या है। तो चलो आज इसके बारे में सब कुछ बताएंगे आपको, ये हेलमेट मैंने कहां से लिया और इसकी प्राइसिंग क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो चलो वीडियो करते हैं कंटिन्यू। तो पहले आप इस हेलमेट का पूरा वॉक अराउंड देख लो कि ये हेलमेट देखने में लगता कैसा। Is this illegal? Yes. Is it badass? Yes. तो देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है हेलमेट का। और ये हेलमेट है स्टील बर्ड का। मैं आपको साइड में एक फोटो दे रहा हूँ, देख लो। तो ये हेलमेट पहले ऐसा हुआ करता था और इसको मैंने कन्वर्ट किया है इस वाले एडिशन में। तो इसका कन्वर्ट करने का मेन रीज़न ये था कि ये हेलमेट 2016 में मैंने ख़रीदा था और काफ़ी ज़्यादा डेंट आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच आ गए थे हेलमेट गिरने के वजह से। तो ये हेलमेट फेंका हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको डिज़ाइन करते हैं। मैंने यूट्यूब पे ही वीडियोस वगैरह देखी थी इंडोनेशिया वर्जन में, जो लोग मॉडिफाई करते हैं हेलमेट वगैरह को, तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी कि उसमें नॉर्मल से ऐसे ही स्पॉयलर वो लोग सेट कर दे रहे थे। तो मैंने भी ट्राई किया और आपके सामने ये है। तो देख सकते हो कितने प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है और देखने में लग भी नहीं रहा है कि ये बना हुआ है। और आप हाथ में भी ले लोगे इसको तो आप नहीं पकड़ पाओगे कि ये बना हुआ है, हाँ हैंडमेड है ये, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो देखो ये आपके सामने हेलमेट है। तो ये साइड में मैं हेलमेट की फ़ोटो दे रहा हूँ, तो देख लो आप, ऐसा कुछ ये हेलमेट था। और इस हेलमेट को मैंने 2016 में बाय किया था, तो अराउंड मुझे ये 2000 रुपीज़ का पड़ा था ये हेलमेट। और मैंने इसे बहुत यूज़ किया, यूज़ करने के बाद भाई कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसकी, तो इस वजह से मैंने इसको इस वाले इसमें कन्वर्ट किया है। तो ये देख सकते हो आप, पूरा इस पर कस्टम पेंट है और ग्राफिक्स भी, पूरे कस्टम ग्राफिक्स भी हैं। तो मैं इसके बात कर रहा था, इसको हाथ में उठा के दिखाता हूँ। तो आप स्पॉयलर देख लो इसका, ये स्पॉयलर हैंडमेड है, पूरा अलग से बनाया गया है पूरा स्पॉयलर इसका। तो कमेंट में ज़रूर बताना कैसा आपको इसका स्पॉयलर लग रहा है। और अराउंड वन मंथ से अबव लग गया था मुझे इसका स्पॉयलर बनाने में। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, तो ये स्पॉयलर यहाँ पे आके एंड हो रहा है और दूसरे साइड में मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप ये देख लो, ये स्पॉयलर यहाँ पे आके एंड हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसका स्पॉयलर है, आप ये देख सकते हो, दो इंच के बराबर इसका भाई स्पॉयलर बाहर निकला हुआ है। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है देखने में। और ये हेलमेट आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और इसे मैंने बनाया कैसे है, तो इसका स्पॉयलर की बात करें तो ये पूरे पीवीसी से बना हुआ है, पीवीसी पाइप जो होती है उससे बना हुआ है। और इसको अटैच करके इसको पूरा लेवल में लिया गया है, जो बॉडी फिलर यूज़ होता है कार के स्क्रैच वगैरह को रिमूव करने के लिए, तो उसका यूज़ करके मैंने पूरे इसके बॉडी को लेवल में लिया है। तो ये देखने और छूने में बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा कि इसका स्पॉयलर अलग से सेट है। और मेरे ख्याल से आज तक ऐसा कोई हेलमेट नहीं होगा जिसमें इनबिल्ट स्पॉयलर आता होगा। ये मैंने ये फर्स्ट देखा है भाई, ये फर्स्ट हेलमेट होगा जिसमें इनबिल्ट स्पॉयलर है। और काफ़ी ज़्यादा देखने में प्रीमियम क्वालिटी लगता है देखने में, ऐसा नहीं लगता है कि आफ्टर मार्केट है या तो हाथ से इसको बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं लगता है। अगर आप इसे सामने से देखोगे तो ये लगेगा भाई ये बाहर से कहीं से खरीद के आया हुआ है। तो ऐसा कुछ ये इसका स्पॉयलर है। और इस पे जो कस्टम पेंट है वो ब्लैक स्पार्कल कस्टम पेंट है, जो भाई अच्छे अच्छे कार कंपनी यूज़ करते हैं वो ये पेंट है। और इस पे ग्राफिक्स देख सकते हो, ये पूरे शार्क एडिशन में भाई उस पे ग्राफिक्स हुए हैं। तो साइड में मैं एक हेलमेट और दे रहा हूँ। तो इस वाले को हेलमेट को देख के हम लोग ने इसका एडिशन चूज़ किया था कि इसमें बनाएंगे इसको। और कैसा ये एडिशन आपको लग रहा है इस वाले हेलमेट पे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपके कमेंट का वेट रहता है, आपके कमेंट से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट किया करो, वीडियो में क्या कमी रहती है क्या कमी नहीं रहती है तो ज़रूर वो बताया करो, तो मैं उस पर आगे काम कर सकूँगा। तो मैं आपको एक हेलमेट और अपना दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये मेरा AGV का हेलमेट है भाई, ये मैंने नेपाल से ख़रीदा था। और
इस हेलमेट का एक एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें इसका वाइज़र टूट गया था, तो इसका वाइज़र कहीं अवेलेबल नहीं हो पा रहा इंडिया में, इंडिया में इसका वाइज़र कहीं भी नहीं है, तो मुझे फिर से नेपाल जाना पड़ेगा इसका वाइज़र लेने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है भाई, शायद ये इंडोनेशिया से इम्पोर्ट होके नेपाल वगैरह में आता है, तो इस वजह से इंडिया में इसका कोई भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो वाइज़र भी नहीं मिल पा रहा है मुझे, तो देखेंगे लग जाएगा इसका भी वाइज़र, तो इसको भी आपको दिखाएंगे। तो आज की वीडियो भाई अपनी इसी दोनों हेलमेट के ऊपर थी, और ये हेलमेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, और आपको अगर ऐसा कुछ काम कराना हो तो ऊपर इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, तो जाके मुझे जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मुझे डीएम करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपके डीएम्स का। और अगर ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन वर्क कराना हो या तो कस्टम पेंट वगैरह कराना हो तो मुझसे डीएम करके आप पूछ सकते हो क्या कॉस्टिंग है क्या कॉस्टिंग नहीं है। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और जो अपने चैनल पे नया आता है तो भाई वीडियो आप वॉच करते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि ऐसे ही कॉन्टेंट्स आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलो आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।